डीडी ताम्रकार जी हैं, अब वो अपना उद्बोधन योग समिति बरही के तत्वाधान में हो रहे वृक्षारोपण के बारे में बोलेंगे कि वो कितना वृक्षारोपण करना चाहते हैं। भाई पीडी ताम्रकार जी, आप आइए और जनमानस को बताइए कि वृक्षारोपण से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। भाई पीडी ताम्रकार जी, पतंजलि योग समिति के द्वारा लगभग 1000 वृक्ष लगाने का पूरा लक्ष्य तैयार किया गया है। अच्छा, जिसमें सूर्य सनातन मंदिर के चारों तरफ लगभग 1000 वृक्ष लगाए जाएंगे। यह प्रेरणा बाबा रामदेव जी के द्वारा इस समिति को मिली है। स्वामी रामदेव पूरे 1 करोड़ वृक्ष लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है, उसी संकल्प को देखते हुए पतंजलि योग समिति बरही में लगभग 1000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। अंडा है किसे कहोगा, चिपकली के लिए कैसी तरह से दूर दूर गया दूर 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 जिससे बड़ा हो तो फिर फैल जाएगा। अपने आप ज्यादा ज्यादा पेड़ बड़ा होगा ना, उसकी सुरक्षा के लिए लग गया तो इसी तरफ फैलेगा। हाँ बस, पीपल का पेड़ का यहाँ पर तजर्बा रख देंगे, व्यवस्था होगी। बड़ा हो गया, जर्रा सा था बिल्कुल, बड़ा गया हो जाएगा। हाँ, थोड़ा काली मिट्टी उला के डाल देंगे। हाँ, कुछ और बचे हैं, चार चार कम बचे हैं। क्या कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा काटी ले वो ला के डाल दे। वो कहाँ गया, छोटा वाला का? छोटा वाला पीपल जो लाए थे घर से, कम छोटे वाला इतना तो नहीं लाए थे, तो छोटा सा पीपल वो कहाँ लगाए, लगा था कहीं याद है ना। हाँ, ये इसकी भी नहीं है। बहुत इनको एनर्जी मिलती है जबरदस्त, संगीत पे कम प्रभाव ना पड़ता, पेड़ों में बहुत प्रभाव पड़ता है। अरे साक्षात आप कभी हरिद्वार जाएंगे ना स्वामी जी के, हाँ तब देखेंगे, वहाँ पत्थरों में छोटे छोटे पत्थरों में वहाँ पे संगीत चल रहा है, माइक लगा हुआ है। हाँ बता रहे थे, कोई बता रहा था टीवी में, बता रहा नहीं बता रहा था। एक और शर्ट लगा दो इन दोनों के बीच में, एक वहाँ एक यहाँ, चार पेड़ हो जाएंगे। ये लगा है यहाँ पता देता, 1 2 3 4 5 थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, 7 8 9 10 सब वो खिटवारे भर का हज्जे हैं अश्विनी, लग जाए भैया पत्ता लग जाएगा। आज पतंजलि योग समिति बरही के तत्वाधान में आयोजित योग समिति हरिद्वार के निर्देशानुसार आज बरही में जड़ी बूटी दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। पतंजलि योग समिति के सभी सदस्यों ने मिल करके हमारे साथ यहां पर उपस्थित सदस्य हमारे प्रेरणा स्रोत भाई राजेश जैन जी, भाई पी डी ताम्रकार जी, भाई सुग्रीव साहू जी, भाई हमारे बाल योगी के रूप में यहां पर उपस्थित राम ताम्रकार जी,
और हमारे साथ बाल योगी जुड़े हुए हैं हरिओम ताम्रकार जी और मैं स्वयं संतोष अग्रवाल इस जड़ी बूटी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर वृक्षारोपण करने के लिए पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 200 पेड़ लगाने का यहाँ पर हम लोगों ने सूर्य सनातन धाम में संकल्प लिए हैं। 100 से ऊपर अभी पेड़ हमारे लग चुके हैं। हमारे भाई सुग्रीव साहू जी यहाँ पर पूरे ताजो सामान के साथ सामानों का उपयोग कर रहे हैं। चार लगा के चार हो जाएगा, पूरा होगा। साल भर ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। दूर दूर से पानी लाकर इनकी सिंचाई होती है, समय समय पर इनको खाद डाला जाता है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर जब कांटेदार झाड़ लगा देते हैं, पत्थर लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर इनकी व्यवस्था हो सके। और यहाँ पर गौ सेवा भी की जाती है। इसी तरह हमारे पतंजलि योग समिति के सभी सदस्य मिलकर इस काम को पूरा कर रहे हैं, और जो भी बाबा रामदेव जी का निर्देश होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि हम इस निर्देश का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।